फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन7 एज। दोस्तों, जब 23 फरवरी को आप नियुक्ति पत्र लेने के लिए जाइएगा, उस समय आपका विद्यालय किस तरीके से आपको विद्यालय का आवंटन किया जाएगा, विद्यालय का नाम आपके नियुक्ति पत्र पे लिखा हुआ होगा, लेकिन उसका तरीका क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा, इन चीजों के बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपको जो विद्यालय मिल रहा है उसका आधार क्या है, किस आधार पे आपको विद्यालय दिया जा रहा है, आप जो विद्यालय चाह रहे हैं वो विद्यालय आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम लोग इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे विद्यालय आवंटन कैसे होगा, तो विद्यालय आवंटन का एक क्रम दिया गया है दोस्तों, मेरिट के आधार पे, जो आपका मार्क्स था उस आधार पे नहीं, बल्कि यहाँ पे एक कैटेगरी है, इस आधार पर आपका विद्यालय का आवंटन होगा। कल जब लेटर जारी हुआ है दोस्तों, तो लेटर जब जारी हुआ है शिक्षा विभाग की तरफ से, तो उसमें इन चीजों को क्लियर किया गया है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले विकलांग महिला विद्यालय आवंटन में, सबसे पहले जो विकलांग है और महिला हो, जो फीमेल्स है और विकलांग है, सबसे पहले विद्यालय चॉइस करने का मौका उनको दिया जाएगा। उनके बाद विकलांग पुरुष को मौका दिया जाएगा, उसके बाद महिला को मौका दिया जाएगा, और लास्ट में पुरुष को मौका दिया जाएगा कि आप कौन सा विद्यालय चूज करते हैं। तो यहाँ तक आते आते तो जो भी विद्यालय जो चाहते होंगे ये लोग, तो ये तो आप उनको मिलेगा नहीं। हालांकि हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से। देखिए, सबसे पहले विकलांग महिला है, ठीक है, विकलांग महिला को विद्यालय चॉइस करने का सबसे पहला अधिकार है। अब विकलांग महिला में भी देख लीजिए, एक कैटेगरी बना हुआ है, उसमें अनुसूचित जनजाति को, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति को, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला को जो कि विकलांग में हो, उसके बाद ये चीजें आएगी पिछड़ा वर्ग में, और उसके बाद ये किसके पास होगा, अनारक्षित। तो जो विकलांग महिला है, यदि वो अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करती है, तो सबसे पहले वो विद्यालय अपना च्वाइस करेगी कि ये विद्यालय चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जाति की महिला के पास ये अधिकार होगा कि वो चूज करेगी कि उन्हें कौन सा विद्यालय चाहिए। थर्ड में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो महिला होगी, विकलांग होगी, उसके पास ये मौका होगा। नेक्स्ट में जो पिछड़ा वर्ग की महिला होगी, उनके पास ये मौका होगा कि वो विद्यालय चूज करेंगी, और उसके बाद जो अनारक्षित की महिला होंगी, वो विकलांग महिला होंगी, वो अपना चूज करेंगी। जब ये आपका कैटेगरी कंप्लीट हो गया विकलांग महिला का, उसके बाद ये अधिकार मिलेगा विकलांग पुरुष को। अब जो विकलांग में जो पुरुष हैं, वो विद्यालय अपना च्वाइस करेंगे कि उन्हें कौन विद्यालय चाहिए। तो उसमें भी कैटेगरी है, अनुसूचित जनजाति वाले को पहले मौका दिया जाएगा, उसके बाद जो अनुसूचित जाति है उन्हें मौका दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विकलांग पुरुष हैं उन्हें मौका दिया जाएगा तो अपना विद्यालय का च्वाइस करेंगे, और उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उन्हें मौका दिया जाएगा, और लास्ट में जो अनारक्षित जो पुरुष हैं, जिनका जो अनारक्षित पुरुष में आते हैं, उन लोगों को विद्यालय का आवंटन करना होगा दोस्तों, ठीक है। ये अभ्यर्थी का कोटी, अभ्यर्थी का जो कोटी है ना, उस आधार पे विद्यालय का आवंटन होगा, ये चीजें क्लियर होगी। आपका चयन का कोटी और अभ्यर्थी का कोटी दो अलग अलग चीज होता है, आप देखे होंगे, एक होता है आपका चयन का कोटी, ठीक है, और दूसरा होता है अभ्यर्थी का कोटी। तो ये जो आपका विद्यालय आवंटन जो होगा, ये आपका अभ्यर्थी के कोटि के आधार पे होगा, ना कि चयन के कोटि के आधार पे होगा। यदि आप ईबीसी से या बीसी से बिलोंग करते हैं और आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ है, ठीक है, तो चयन का कोटि आपका काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपका अभ्यर्थी का जो कोटि होगा वो आपका काम करेगा, ठीक है ना। आप जिस भी कैटेगरी से, जिस भी आपका अपना खुद का जो कैटेगरी जो है, वो चीजें इसके आधार पे यहाँ पे आप विद्यालय को आवंटन आपका होगा। नेक्स्ट, इसके बाद जो विकलांग पुरुष हो गया, उसके बाद महिला को मौका दिया जाएगा। तो महिला को जो मौका दिया जाएगा, तो महिला में सबसे पहले अनुसूचित जनजाति की जो महिला जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको पहले मौका दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसको मौका दिया जाएगा, अनुसूचित जाति की जो महिला होंगी उन्हें मौका दिया जाएगा, और उसके बाद मौका किसके पास आएगा, ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो महिला है उनके पास ये मौका आएगा, और उसके बाद ये मौका आएगा आपके पास पिछड़ा वर्ग की महिला को, और लास्ट में जो जनरल कैटेगरी की महिला है उनको ये मौका आएगा। इस तरह से वो विद्यालय अपना च्वाइस कर सकती है। उसके बाद जब महिला से हो जाएगा सारा, उसके बाद अब आएगा बेचारे पुरुष की बारी। अब पुरुष अपना विद्यालय का तो च्वाइस करेंगे कि अब उन्हें कौन सा जाना है। उससे पहले तो सारे विद्यालय तो फुल हो ही जाएंगे, अब जो बचेगा वही मिलेगा। सीधा सीधा बात वही है कि पुरुष को कोई च्वाइस नहीं करना है, जो बच गया वो आप लेकर के चले आइए चुपचाप से, ठीक है। अब पुरुष की भी जब होगी, तो सबसे पहले ये मौका किसके पास होगा, अनुसूचित जनजाति के पुरुष के पास ये मौका होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये मौका किसके पास जाएगा,
अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जाति का जो पुरुष होगा उसके पास मौका आएगा कि अब वो जो बचा हुआ विद्यालय है वो उसमें से वो चूज कर ले। अब उसके बाद जो विद्यालय बचेगा उसमें से अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो पुरुष है ना उसके पास से मौका जाएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो पुरुष है वो चूज कर लेगा अपना विद्यालय। अब उसके बाद जो विद्यालय बचेगा तो वहां पे आपका आ जाएगा ये पिछड़ा वर्ग, ठीक है ना। अब पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष होंगे वो अपना विद्यालय चूज करेंगे और लास्ट में जो अनारक्षित जो पुरुष है तो उनको ये विद्यालय मिलेगा। तो इन्हें चूज का करना है, सीधा सीधा जो बच गया वो इन्हें मिल दे दिया जाएगा। लास्ट में तो वही होगा ना, जो बचेगा वही आपको मिलेगा, क्योंकि जो चूज करना है वो तो पहला ही चूज हो जाएगा, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे कि 70% जो फीमेल्स है उनका चयन हुआ है, तो महिला से बचेगा ही नहीं। महिला सारा जो जो हम लोग चाहते हैं या जो पुरुष चाहेगा कि मुझे वो विद्यालय मिल जाना चाहिए तो वो तो मुश्किल है, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट जो होंगे वो पहले ले लेंगे। लोगों का जनरली लोग यही चाहते हैं ना कि जो विद्यालय हो वो टाउन में हो, मुख्यालय से नजदीक हो, आने जाने में सहूलियत हो, इसी तरह का विद्यालय लोग खोजेंगे। और वो विद्यालय तो आपके अगर यहाँ से बच भी जाता है तो यहाँ पे आकर के बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, यहाँ पे आकर के समाप्त हो जाएगा। और इसका रीजन है दोस्तों कि 70% फीमेल कैंडिडेट्स, मोर देन 70 से 75% जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, तो बिल्कुल है कि वो अपना छोड़ेंगी तो नहीं, सब लोग पहले ही ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो पुरुष हैं तो पुरुष वैसे भी इनकी संख्या कम है और विद्यालय जो बचेगा ही नहीं, यहाँ तक के जो पुरुष हैं इनको तो बस वो जंगल ही मिलेगा, उससे ज्यादा तो कुछ मिलने वाला है नहीं। वो सबसे लास्ट एकदम बॉर्डर का होगा, जो भी प्रखंड का होगा तो बॉर्डर का होगा, जो सटा हुआ एरिया होगा, मान लीजिए कि बिहार का जो भाग उधर नेपाल से सटता है तो बस सीधा नेपाल बॉर्डर, बिहार से जाने में दूर होगा, नेपाल से आने में नजदीक होगा। जिनका बॉर्डर झारखंड है तो उनका भी वही होगा, झारखंड से नजदीक होगा और बिहार से दूर होगा, जहाँ वो मुख्यालय में मतलब जहाँ पे रहना चाहेंगे, जो मुख्यालय होना चाहिए जहाँ से वो जाना चाहेंगे, तो काफी दूर हो जाएगा। खासकर पुरुष में जो अनारक्षित है उन लोगों को विद्यालय काफी दूर दूर मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो विद्यालय आमंत्रण का जो तरीका है वो यही तरीका है, ठीक है ना। इसी के आधार पे आपके विद्यालय का आमंत्रण किया जाएगा दोस्तों। तो और ये जो विद्यालय आप चॉइस कीजिएगा, यही विद्यालय का नाम आपके नियुक्ति पत्र पर, जो नियुक्ति पत्र आपको 23 फरवरी को मिलने जा रहा है उस नियुक्ति पत्र पे आपका ये विद्यालय रहेगा। अब इसमें भी एक दो प्रश्न आ रहे हैं कि जो लोग उस दिन अपसेट रहेंगे, जो लोग नहीं आएंगे, तो उन लोगों के साथ क्या होगा, क्या उनके लिए स्पेशल छोड़ दिया जाएगा विद्यालय? चॉइस आपको वहीं पे करना है, ठीक है। तो आप फोन से अपना विद्यालय छोड़वाइएगा, ऐसा नहीं होगा। जो अब जो वहां पे प्रेजेंट होंगे उनके पास जो चॉइस होगा उसमें से वो ले लेंगे, ठीक है। कि आपके पास जो दिया गया कि ये विद्यालय में रिक्ति है, जो प्रेजेंट है वहां पे वो लोग अपना अपने हिसाब से ले लेंगे अपना विद्यालय, ठीक है। तो यही होने वाला है। और कुछ फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं जो आउट ऑफ स्टेशन हैं, उन लोग का फोन भी आ रहा था कई लोगों का कि हम लोग बाहर हैं, हम लोग का विद्यालय आमंत्रण कैसे मिलेगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, जंगल में जाने के लिए तैयार रहिए, और क्या है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि अब जो फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिन लोगों का एक जगह पे हुआ है म्यूचुअल होगा कि ये वाला मेरे लिए वो मेरे लिए, इस टाइप से अगर कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर तो सबसे लास्ट ऑप्शन ही होगा, क्योंकि जो बचेगा फिर जो चॉइस आपको तो दिया जा रहा है ना, अब आपके लिए जो वहां पे गए हुए हैं उनको नहीं ना छोड़ा जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इस तरह से आपका विद्यालय का आवंटन मुख्य रूप से होने वाला है दोस्तों। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और जो भी आपको प्रॉब्लम है, समस्या है, आप लोग कमेंट कीजिएगा और उसका हम लोग वीडियो बनाकर